रोजाना राशिफल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आइए यहाँ जानते हैं किस राशि के जातकों को लाभ होगा और किन्हें मिलेगी खुशखबरी। आज भगवान महादेव जी की कृपा किन राशि जातकों पर होगी और कैसा रहेगा आज का दिन, आइए यहाँ जानते हैं। सोमवार 28 जून 2021 को आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा, किन्हें मिलेगी सफलता और कौन से जातक रहेंगे दिक्कत में, आइए यहाँ जानते हैं। और आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगी, चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 28 जून 2021 दिन आज सोमवार का है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बन रही है। यह दोपहर के 2:16 तक चलेगा और इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगी धनिष्ठा। यह रात्रि के 12:48 तक चलेगा और इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो विष कुंभ नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर के 2:04 तक चलेगा और इसके उपरांत प्रीति नामक योग प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्य उदय होगा ठीक सुबह के 5:47 पर और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:12 पर। सूर्य राशि रहेगा मिथुन राशि पर और चंद्रमा आज मकर राशि इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा, जो कि ठीक दोपहर के 12:59 तक। आज के दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह दोपहर के 12:03 से लेकर ठीक 12:56 तक चलेगा। और आज का राहु काल का समय यह सुबह के 7:28 से लेकर ठीक 9:08 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह की नए और शुभ कार्य की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती है। चलिए बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल। मकर राशि जातकों को आज हम बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है। सितारे आज आपके कह रहे हैं कि आपके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा और कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें और आज आपको दफ्तर में आपकी तारीफ भी मिलेगी और आपका पूरा ध्यान आपके परिवार पर होगा। हम आपको बता दें यह समय जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें यह समय निवेश के प्रस्ताव मिलेंगे और पारिवारिक मामलों को लेकर निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें छात्रों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी आज के दिन। जी हम आपको बता दें और मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे और यह समय संतान पक्ष को कामयाबी मिलेगी। हम आपको बता दें पुरानी बीमारी आज आपकी उभर सकती है और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। हम आपको बताना चाहेंगे परिवार के किसी सदस्य के साथ कहीं दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। आज आप कुसंगति को त्यागें और शत्रुओं पर नजर रखें, वो आज आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जी हाँ, इसलिए सतर्क रहें और संभल कर रहें। हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी यात्राएं अधिक हो सकती है और आपको अपने और आधिकारिक से सहायता और पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। हम आपको बता दें आप अपने कार्यस्थल पर प्रशंसा के पात्र रहेंगे और जो आपकी संतुष्टि को बढ़ाएगा। अगर किसी को प्रपोज करने की योजना है तो ऐसा करने के लिए यह एक आदर्श समय नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे आपके बच्चों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आज आपका शुभ रंग आसमानी रहेगा और आज आपका लकी नंबर 10 और 11 रहेगा।
अगर आप भगवान महादेव का सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।